उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के सभी 9 उपभोक्ता फोरम में UPCL 80% केस हार रहे हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को परेशानी के साथ ही UPCL का भी नाम खराब हो रहा है। इसके पीछे उन्होंने UPCL की कई खामियां भी गिनवाई हैं। विद्युत शिकायती मामलों में सुधार लाने और विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उन्होंने हरिद्वार डाम कोठी में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्यों और UPCL के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सुभाष कुमार ने बिजली मीटर, बिजली बिल शिकायतों से जुड़े 9 बिंदु अधिकारियों को सौंपे और इन बिंदुओं के आधार पर विभागीय गलतियों में सुधार लाने के निर्देश भी दिए हैं। शुरू करूं? हाँ सर। इसमें आप लोगों को 2 पेपर्स हैं। हमारे यहाँ बिजली में 2 कंपोनेंट है। मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उनको मीटर गलत आ रहा है, रीडिंग गलत आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है, नियम के हिसाब से नहीं आ रहा है, उसकी मीटिंग जल गया, उसको कोई अटेंड नहीं किया, इसमें एक बुकलेट है उसमें ये लिखा हो कि दिन दिन में आपको अटेंड करना है, अटेंड नहीं किया, फिर CGR उनको पेनल्टी लगाता है, उस पेनल्टी से उसके अगले बिल में कट जाता है। तो ऐसा करके पहले 2 ही फोरम था, अब हमने 7 और बनाए, कुल मिला के 9 फोरम है। तो 9 फोरम में जो केसेस अब तक आ रहा है उसमें 80% UPCL हार रहा है। तो मैंने पॉइंट वाइज बना दिया है कि किन किन बिंदु पर हार रहा है।